गुड इवनिंग क्लास। तो इससे पहले वीडियोस में हमने लैंड डिग्रेडेशन कंजर्वेशन मेजर्स पढ़ लिया है, ठीक है। और उसके पहले हमने पढ़ा था रिसोर्स प्लानिंग, लैंड रिसोर्स और डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके थे। अब हमको सॉइल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये फिगर आप देख लीजिए, ये फिगर आपका सॉइल प्रोफाइल है। ये आपका टॉप सॉइल, देखिए सॉइल में सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो टॉप सॉइल में होते हैं, ठीक है। द अपर लेयर ऑफ सॉइल, सबसे ऊपरी परत यही होती है, ठीक है। उसके बाद सब सॉइल्स, रॉक एंड सिल्ट क्ले, सबस्ट्रेटम, और ये अनवेदर्ड पैरेंट बेड रॉक, ठीक है। ये आपका सॉइल प्रोफाइल का फोटो है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सॉइल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। देखिए आपको पता है कि सॉइल जो होता है वो एक प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। सॉइल को कोई ह्यूमन नहीं बनाता है, उसे नेचर बनाता है, ठीक है। इट इज़ द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। और आपको पता है कि अगर सॉइल ना रहे तो प्लांट जो है वो कभी ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। देखिए वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर सच एज चेंज इन टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर, एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजर एक्सेट्रा कंट्रीब्यूट द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। देखिए मिट्टी कैसे बनती है, नाइन्थ क्लास में आपने बायोलॉजी में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि मिट्टी कैसे बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि पानी की वजह से, समटाइम्स टेम्परेचर की वजह से, डिकम्पोजर्स की वजह से मिट्टी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, सॉइल फॉर्मेशन होता है। केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस विच टेक्स प्लेस इन द सॉइल आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। देखिए कह रहा है कि जो भी केमिकली चेंजेस होते हैं या ऑर्गेनिक चेंजेस होते हैं वो दोनों सॉइल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। देखिए अब हमको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, उसमें हमने चार चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है। देखिए पढ़ते पढ़ते आप रिविज़न करते हुए चलिए, उससे क्या होगा कि पुरानी चीज़ें आपको भूलेंगी नहीं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल स्टार्ट करते हैं। देखिए एक एक चीज़ पढ़ेंगे। पहला आपका सॉइल है एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल क्या होता है, द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड ऑफ एल्यूवियल सॉइल। देखिए जो नॉर्दर्न प्लेन्स होते हैं, मतलब नॉर्थ के साइड के जो प्लेन्स होते हैं वो किस, वहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, एल्यूवियल मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। एल्यूवियल सॉइल इज़ ऑल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, पर्टिकुलरली इन द डेल्टाज ऑफ द महानदी, द गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी, ठीक है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के जो कोस्टल प्लेन्स होते हैं, कोस्टल एरियाज यानी तटीय सीमा जो होती है, वहाँ पर भी कौन सी मिट्टी पाई जाती है, एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है, ठीक है। देखिए अभी मैं आपको एक मैप दिखाऊंगी, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा नॉर्दर्न प्लेन है, कौन सा साधन है ये, ठीक है। तो वो कौन सा ईस्टल है वो सब आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखिए सच सॉइल्स आर मोर कॉमन इन प्लेन्स सच एज डुआर्स कोज एंड तराई। देखिए तराई, कोज और डुआर्स नाम की जगह पे ये जो मिट्टी होती है वो बहुत कॉमन है, ठीक है। अब सबसे एल्यूवियल सॉइल के बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो याद रखने वाली है वो ये है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देयर एज एल्यूवियल सॉइल कैन बी क्लासीफाइड एज ओल्ड एल्यूवियल एंड न्यू एल्यूवियल। देखिए एज के हिसाब से, ठीक है, एल्यूवियल सॉइल का जो क्लासिफिकेशन होता है वो उनके एज के हिसाब से होता है। जो पुरानी मिट्टी हो जाती है, जो पुरानी एल्यूवियल मिट्टी रहती है उसको हम क्या कहते हैं, बांगर, ठीक है। और जो नई एल्यूवियल मिट्टी होती है उसे हम क्या कहते हैं, खादर, ठीक है। ऐसे याद कर लो कि जो पुराना सामान हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, भंगार कहते हैं ना, उसी तरह से जो पुरानी मिट्टी एल्यूवियल मिट्टी हो जाती है उसे बांगर कहते हैं, ठीक है। द बांगर सॉइल हैज़ हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नीड्यूल्स देन द खादर, ठीक है। कह रहा है कि जो पुरानी मिट्टी होती है उसमें कंकर नीड्यूल्स खादर के मुकाबले ज़्यादा होता है। अब कंकर नीड्यूल्स क्या होता है, कंकर नीड्यूल्स का मतलब होता है कैल्शियम कंटेनिंग पार्टिकल, ठीक है। ऐसे कंकर्स, इस कंकर का मतलब है कि इसमें कैल्शियम की मात्रा जो होती है वो अच्छी होती है, खादर से ज़्यादा होती है, ठीक है। इट हैज़ मोर फाइन पार्टिकल एंड इज़ मोर फर्टाइल देन बंगर। देखिए खादर जो होता है वो बंगर से ज़्यादा
ज़्यादा फर्टाइल होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अलूवियल सॉइल एज अ होल आर वेरी फर्टाइल। अब अगर कुल मिला जुला कर देखते हैं तो अलूवियल सॉइल जो होता है वो फर्टाइल सॉइल होता है, ठीक है, मतलब उपजाऊ मिट्टी होती है, ठीक है। तो मोस्टली दीज सॉइल्स कंटेन एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम, विच आर आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर कैन, पैडी, वीट एंड अदर सीरियल एंड पल्सेस क्रॉप। देखिए अलूवियल सॉइल में ना पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम, ये सब जो होती हैं वो एकदम प्रचुर मात्रा में, यानी कि पर्याप्त मात्रा में प्रेजेंट होती हैं, जो कि पल्स के लिए यानी दाल के क्रॉप्स के लिए, पैडी के लिए, ठीक है, बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है, बहुत उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। इसके बाद हमको पढ़ना है क्या, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल भाई आपको नाम सुन के ही पता चल गया होगा कि किस कलर का होगा, जाहिर सी बात है अगर ब्लैक सॉइल है तो ब्लैक कलर का ही होगा। देखिए दीज सॉइल्स आर ब्लैक इन कलर एंड आर ऑल्सो नोन एज रीगर सॉइल। इसका दूसरा नाम क्या है, रीगर सॉइल। देखिए आपको पुराना नाम, नया नाम, दूसरा नाम, ये सब ज़रूर याद होना चाहिए सारी मिट्टियों का, ठीक है। तो ब्लैक सॉइल को हम किस और नाम से जानते हैं, रीगर सॉइल के नाम से, ठीक है। ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। देखिए हमें एक और नाम मिल गया, ठीक है। तो जो ब्लैक सॉइल होता है वो कॉटन, ठीक है, यानी जो सूत होती है, मतलब सूती होता है ना, आप जानते हो कॉटन जो होता है वो बहुत उपजाऊ होता, कॉटन प्लांट के लिए ब्लैक सॉइल बहुत उपजाऊ होता है, इसीलिए क्या कहते हैं ब्लैक सॉइल को, ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं, ठीक है। This type of soil is typical of the Deccan trap region spread over northwest Deccan plateau and is made up of lava flows, ठीक है। ये जो मिट्टी होती है वो नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेटोज में, अब देखिए यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट भी आ गया, तो अब वो भी आपको लग रहा होगा कि अभी नॉर्थ वेस्ट किसको, तो अभी मैं मैप में आपको सारा फिर से एक बार क्लियर कर दूंगी, ठीक है। देखिए अब पढ़ते हैं कि ब्लैक सॉइल पाया किस किस स्टेट में, किस किस जगह पे पाया जाता है, ठीक है। तो दे कवर द प्लेटोज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ एंड एक्सटेंड इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलोंग द गोदावरी एंड द कृष्णा वैली। देखिए कह रहा है कि सौराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, मालवा, मध्य प्रदेश, इन सब जगहों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ब्लैक सॉइल पाया जाता है, और कहाँ पर, गोदावरी और कृष्णा घाटियों के पास, ठीक है, ये आपका फिगर है, ठीक है। तो एक बार सारी मिट्टी पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम मैप देखेंगे। देखिए अब उसके बाद हमें ब्लैक सॉइल के बाद हमको पढ़ना है रेड एंड येलो सॉइल। देखिए अब रेड एंड येलो सॉइल है तो किस कलर की होगी, रेड और येलो कलर की होगी, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रेड सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक इन एरिया ऑफ लो रेनफॉल इन ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेटू। देखो रेड और येलो सॉइल कहाँ पे बनती है, जहाँ पे रेनफॉल क्या होता है, लो होता है, रेनफॉल मतलब जो बारिश होती है ना उसको ही रेनफॉल कहते हैं, ठीक है, वो कम होता है रेनफॉल वहाँ पे, वहाँ पे रेड और येलो सॉइल बनती है, ठीक है। येलो एंड रेड सॉइल आर ऑल्सो फाउंड इन पार्ट्स ऑफ ओडिशा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट्स ऑफ मिडिल गंगा प्लेन एंड अलॉन्ग द पिडमेंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट, ठीक है। ये जगहों पे उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और सदर्न पार्ट्स में ये मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। एक चीज़ हम और जान लेते हैं कि मिट्टी रेड कब होती है और येलो। देखिए ये दो मिट्टियाँ नहीं हैं, ठीक है, मिट्टी एक ही है लेकिन अलग अलग कंडीशन में वो अपना कलर चेंज कर लेती हैं, ठीक है, थीके? कभी रेड हो जाती हैं, कभी येलो हो जाती हैं। तो ये जान लेते हैं कि रेड कब होती हैं और येलो कब होती हैं, ठीक है, थीके? तो रेड तब होती हैं जब ये डिहाइड्रेटेड फॉर्म में होती हैं, ठीक है, थीके? हमने अभी पढ़ा कि वहाँ पर रेनफॉल क्या होता है, कम होता है ना, तो जब सूख जाती है मिट्टी तो किस कलर की हो जाती है, रेड कलर की, ठीक है। और फिर से जब गीली हो जाती है, उसको पानी मिल जाता है, तो किस कलर की हो जाती है, येलो मिट्टी हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे याद रखेंगे कि जब मिट्टी डिहाइड्रेटेड फॉर्म में होती है तो रेड होती है, और जब हाइड्रेटेड फॉर्म में आती है तो येलो हो जाती है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं लैटराइट सॉइल, ठीक है। लैटराइट सॉइल देखिए, हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल, ये क्या हो रहा है, इसका फॉर्मेशन कब होता है, इसका फॉर्मेशन ऐसी जगहों पे होता है जहाँ का टेम्परेचर हाई हो और रेनफॉल भी क्या हो, हैवी हो, मतलब रेनफॉल भी क्या हो, ज़्यादा हो, ठीक है, किसका, लैटराइट सॉइल का, ठीक है। तो लैटराइट सॉइल, सॉरी लैटराइट हैज़ बीन डराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड लेटर विच मीन्स ब्रिक्स।
लेटराइट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, लैटिन वर्ड लेटर जिसका मतलब क्या होता है, ईटा ब्रिक, ठीक है। उसके बाद देखते हैं दिस सॉइल इज़ अ रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन, ठीक है। ये सॉइल क्या करता है, मतलब इसकी लीचिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है। अब लीचिंग क्या होता है भाई, लीचिंग नया वर्ड है। तो ड्यू टू एक्सेसिव रेनफॉल व्हेन सॉइल फर्टिलिटी ड्रेन्स आउट, तो क्या कहते हैं, लीचिंग कहते हैं। जब बहुत अधिक बारिश होने की वजह से जो मिट्टी का उपजाऊपना होता है, जब वो मिट्टी का मिट्टी की उपज बह जाती है तो क्या बोलते हैं, लीचिंग बोलते हैं, ठीक है। अब ये पाया कहाँ पे जाता है, इन सदर्न स्टेट्स, वेस्टर्न घाट्स रीजन ऑफ महाराष्ट्र, उड़ीसा, सम पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट रीजन। देखिए नॉर्थ ईस्ट रीजन में पाया जाता है, बंगाल में, बंगाल के कुछ जगहों पे पाया जाता है, ठीक है, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में लैटराइट सॉयल पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं दिस सॉइल इज़ वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफ़ी, ठीक है। ये सॉइल जो होती है, कौन सी सॉइल, लैटराइट सॉइल जो होती है वो टी और कॉफ़ी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अब देखिए एरिड सॉइल, देखिए एरिड सॉइल क्या होता है, एरिड सॉइल वहाँ पे इसकी उपज वहाँ पे होती है, वहाँ पे बनता है जहाँ पे हाई टेम्परेचर और लो रेनफॉल रहता है, मतलब टेम्परेचर अधिक रहता है लेकिन रेनफॉल क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो देखिए एरिड सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर, एरिड सॉइल का जो कलर होता है वो या तो रेड और रेड से लेके ब्राउन तक का कुछ मिक्सचर ऑफ कलर्स होते हैं, ठीक है। दे आर जनरली सैंडी इन टेक्स्चर, टेक्स्चर में सैंडी होते हैं और नेचर में कैसे होते हैं, सलाइन होते हैं, ठीक है, सलाइन मतलब खारे, ठीक है। द लोअर हॉरिजॉन ऑफ सॉयल आर ऑक्यूपाइड बाय कंकर, जो लोअर हॉरिजॉन होता है, इस मिट्टी का जो लोअर हॉरिजॉन होता है वो क्या होता है, कंकर होता है, कंकर मतलब कैल्शियम कंटेनिंग पार्टिकल, ठीक है, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट, ठीक है। डाउनवर्ड्स द कंकर लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम हॉरिजॉन रिस्ट्रिक्ट द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है। ये क्या होता है, नीचे की वजह से, नीचे जब कंकर्स होते हैं, कैल्शियम कंटेनिंग पार्टिकल्स होते हैं, तो ये क्या करता है, किसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है, फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर को, ठीक है। आगे देखते हैं फॉरेस्ट सॉइल, ठीक है। These soils are found in the hilly and mountainous areas where sufficient rain forests are available, ठीक है। ये ऐसे जंगलों में पाए जाते हैं जहाँ पे रेन क्या होती है, बारिश अच्छी मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। In the snow covered areas of Himalayas, these soil experience denudation and are acidic with low humus, ठीक है। जहाँ पे बर्फ़ पड़ जाती है, ये मिट्टी क्या हो जाती है, देखिए सॉइल एक्सपीरियंस डेनुडेशन, ठीक है। तो सॉइल क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है, डेनुडेशन का मतलब ख़राब हो जाना, ठीक है। और इसका ह्यूमस क्या हो जाता है, ह्यूमस कंटेंट लो हो जाता है, ठीक है। सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन, ठीक है। तो द डिनुडेशन ऑफ सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब एज सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन कहते किसको है, पहले ये जान लेते हैं। देखिए डेफिनेशन आपकी पहले ही दो लाइन में दी हुई है, द डिनुडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन, ठीक है। देखिए क्या होता है कि जब मिट्टी के सब्सिक्वेंट्स जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, या जो मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पौष्टिक तत्व होते हैं, वो जब बह जाते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन। देखिए सॉइल प्रोफाइल हमने आप दिखाया है आपको, और ये भी बताया है कि सबसे अधिक न्यूट्रिएंट्स कहाँ पे पाए जाते हैं, टॉप सॉइल में, ठीक है, जो सॉइल का सबसे ऊपरी लेयर होता है, ठीक है। तो जब वो बह जाता है तो क्या हो, डेनुडेशन हो जाती है ना, तो उसी को क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन कहते हैं, ठीक है। अब कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन जान लेते हैं कि आखिर सॉइल इरोजन होने के कारण क्या क्या हैं, ठीक है। तो आपका पहला कारण है ओवर ग्रेजिंग, ठीक है, मतलब अगर बहुत ज़्यादा जब जानवर चरने लग जाते हैं तो सॉइल इरोजन होता है, हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन आप जानते हो, जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह बनती हैं तो कंस्ट्रक्शन होते हैं ना, थ्रू मशीन्स खुदाई जो होती है उसी को हम कहते हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन, ठीक है, उसकी वजह से भी क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है, ठीक है। डिफेक्टिव फार्मिंग मेथड, जब फार्मिंग मेथड यानी जो मतलब कृषि करने के तरीके होते हैं जब वो ख़राब होते हैं, ठीक है, जैसे बहुत अधिक खाद वगैरह डालने से भी क्या होता है, सॉइल ख़राब होता है, ठीक है। विंड ग्लेशियर हवा चलने की वजह से जब आंधी तूफान आते हैं तो क्या होता है,
सॉइल को इफेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब हम ये देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है, इन सच केसेस द टॉप सॉइल इज़ वॉश्ड अवे, दिस इज़ नोन एज शीट इरोजन। और जब टॉप सॉइल वॉश्ड हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, शीट इरोजन कहते हैं, ठीक है। देखिए, सॉइल इरोजन इज़ ऑल्सो कॉज ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग, हमने ये पढ़ लिया है। देखिए, प्लोइंग अलॉन्ग द कॉन्टर लाइन्स कैन बी डिसेलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन ऑफ द स्लोप्स, दिस इज कॉल्ड कॉन्टर प्लोइंग। देखिए, यहाँ पे चार चीज़ें हैं, मैं थोड़ा सा आपको बोल्ड कर रही हूँ और फिर वो चार चीज़ मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊँगी, ठीक है। पहला चीज़ है आपका ये कॉन्टर प्लोइंग, आप नाम याद रखें, कॉन्टर प्लोइंग। दूसरा, शेल्टर बेल्ट्स, ठीक है, स्ट्रिप क्रॉपिंग, यहाँ पे स्ट्रिप क्रॉपिंग दी हुई है और यहाँ पे टेरेस फार्मिंग दिया हुआ है, ठीक है। ये चार चीज़ें मैं आपको फिगर की हेल्प से बताऊँगी। देखिए, मैंने चार चीज़ बोला था, कॉन्टर प्लोइंग, टेरेस फार्मिंग, स्ट्रिप फार्मिंग और शेल्टर बेल्ट्स, ठीक है। तो कॉन्टर प्लोइंग क्या होता है, देखिए, ये सारे जो होते हैं ना, ये हिली एरियाज़ में होते हैं, क्या करने के लिए, सॉइल इरोजन को कम करने के लिए, ठीक है। देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक हिल है, ठीक है, ये एक पहाड़ी है, तो कॉन्टर प्लोइंग का मतलब होता है जब कल्टीवेशन कैसे हो, ऐसे, मतलब पहाड़ी के एक साइड से शुरू हो और ऐसे जाकर फिर ऐसे घूम कर फिर ऐसे घूम कर फिर ऐसे, ठीक है, जब ऐसे गोल गोल पहाड़ के गोल गोल में कल्टीवेशन होगा तो उसको हम क्या कहते हैं, काउंटर प्लोइंग कहते हैं, ठीक है। टेरेस फार्मिंग किसे कहते हैं, मान लीजिए ये एक पहाड़ी थी, ठीक है, इमेजिन कर लो ये एक पहाड़ी थी, ठीक है, तो ये एक साइड स्लोप रह गया और पहाड़ी के दूसरे साइड पे क्या किया गया, ऐसे टेरेस बना लिया गया, इसको हम टेरेस कहते हैं, ठीक है, ऐसे सीढ़ियों की तरह से बना लिया गया और अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, कल्टीवेशन किया जा रहा है, ठीक है। ये हिली एरिया में बहुत अधिक होता है, अगर कोई हिली एरिया में घूमने के लिए गया होगा तो उसने देखा होगा टेरेस फार्मिंग, ठीक है। स्ट्रिप फार्मिंग क्या होती है, जैसे एक ऐसे लैंड का पार्ट, ठीक है, अब उसमें ऐसे स्ट्रिप्स बना ली जाती हैं, किस चीज़ से, या तो स्टोन्स से या तो घासों से ऐसे स्ट्रिप बना ली जाती है ना, बीच से फिर इसका 6 पार्ट करके फिर इसमें फार्मिंग की जाती है। शेल्टर बेल्ट्स क्या होते हैं कि जो फील्ड होता है उसके चारों साइड ऐसे प्लांट्स लगाकर, सॉरी प्लांट्स नहीं है, ट्रीज़ हैं, ट्रीज़ लगाकर यहाँ पे कल्टीवेशन किया जाए, जिससे क्या होता है, जब विंड्स खूब तेज़ से आती हैं, ठीक है, या आंधी तूफान आता है तो वो आंधी तूफान इन पेड़ों से ही टकरा के रह जाते हैं, वो अंदर के सॉइल को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, अंदर के कल्टीवेशन को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, ठीक है। देखिए, इस चैप्टर में हमको इतना ही पढ़ना था, हमने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट होगा तो वो कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको फिर से मैं वो टॉपिक समझा दूंगी, ठीक है। इस चैप्टर के नोट्स बहुत जल्द आपको ऋषिकुल विद्यापीठ के ऐप पे अवेलेबल हो जाएंगे, आप अपने पासवर्ड का यूज़ करके वहाँ से नोट्स ले सकते हैं और प्लीज़ नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। टिल देन, Have a nice day. Thank you.